राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एंट्री हो गई है। वैभव गहलोत को राजसमंद जिला क्रिकेट संघ का कोष अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम के बेटे को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। वैभव की क्रिकेट में एंट्री के पीछे सीएम के महत्वाकांक्षाओं को लेकर यहाँ तक कहा जा रहा है कि वैभव बीसीसीआई में भी जा सकते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं और अब कहा जा रहा है कि आरसीए का अगला अध्यक्ष भी वहीं से होगा। ये इशारा सीधा वैभव गहलोत की ओर किया जा रहा है। यहीं से वैभव को कोषाध्यक्ष चुन लिया गया है। वैभव गहलोत ने इससे पहले जोधपुर जिला संघ के क्रिकेट पॉलिटिक्स में एंट्री की कोशिश की थी, हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट के स्टे के चलते उनकी कोशिश नाकाम रही। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वैभव की आरसीए के जरिए अब बीसीसीआई में भी एंट्री हो सकती है। न्यूज़ डेस्क।